हाय गाइस, कैसा लग रहा है नए क्लास में आकर? वेल, होप आपको अच्छा लग रहा होगा। यू आर फाइंडिंग योरसेल्फ लिटिल डिफरेंट इन केस ऑफ नाउ यू आर ऑन द लास्ट एज ऑफ योर स्कूलिंग, इजंट इट? दिस इज द लास्ट ईयर एंड होप एवरीवन इज गुड एंड फाइन। सो आज हम क्या करने वाले हैं, अपनी रैप्सोडी को स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि जो 5th to 10th पोम्स हैं वो आपकी नहीं आ रही हैं, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद आर 11th पोम ऑफ रैप्सोडी, है ना। हम 11th पोम से स्टार्ट कर रहे हैं रैप्सोडी की, एंड दिस इज द 11th पोम ऑफ रैप्सोडी, दैट इज टेलीफोन कॉन्वर्सेशन। टेलीफोन कॉन्वर्सेशन बाई वोले सोइंका is a very interesting poem, and this is full of satire, full of sarcasm, full of irony, full of racism, full of discrimination. Now this is very important to know, hai na, because now you are little elder, isn't it? Now you are little, like a little more conscious about your life. Okay, this is the year when you should learn to be more practical, to be more active, to be more serious to your studies, because this 12th class is a board class. Did you know that? Here you're going to face the board examination, and you have to excel in that board examination as well. Okay, you have to excel in that board examination. तो चलिए start करते हैं हम अपनी नए क्लास को नई चीज के साथ, दैट इज आर 11th पोएट्री ऑफ रैप्सोडी, दैट इज टेलीफोन कॉन्वर्सेशन बाय वोले सोइंका। ठीक है, किसके थ्रू लिखी गई है? वोले सोइंका। नाउ ही इज अ वेरी लाइक न्यू पोएट फॉर यू, है ना, बहुत नए पोएट हैं आपके लिए। सो लेट्स रीड अबाउट हिम, व्हाट ही वांट टू कन्वे। बट बिफोर दैट, told you that welcome to grade 12. This is the time, this is the class which is called to be a last class, where you will feel ups and downs, not in case of studies only, but in case of different things. Like you will feel up when you will see the farewell, okay, then you will feel down when you see the farewell. My mean is that you will be curious enough to know that what is going to happen in our farewell, and you will be sad, you will be gloomy to hear this, that we are going to dispatch with us like batch, we are going to dispatch with our friend, hai na? And the more pressure is there because you are having your board examination as well. Matlab kitna zyada pressure hai 12th class mein, right? सिर्फ एक ही अच्छी चीज़ है, दैट फेयरवेल होगी। उसमें भी बुरी चीज़ है कि हम लोग अलग अलग हो जाएंगे, हमारे दोस्त चले जाएंगे अलग अलग जगह, इजंट इट? और हमारी जो यादें हैं होती हैं, जो हमने 11 सालों से मतलब अपने साथ रखी हैं एक स्कूल में, बिकॉज आई वॉज अ कॉन्स्टेंट गाय, बिकॉज आई यूज टू स्टडी इन अ सेम स्कूल, आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम एन ICSE बोर्ड फ्रॉम नर्सरी टू 12th. I was a constant guy, so I know how much pain we used to face when we used to dispatch from our like batch, isn't it? So don't worry, time after time, after some passage of time, you'll forget everything, hai na? But haan, jab bhi yaad aati hai to thoda bura lagta hai, because that year is very 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 interesting. हमने पढ़ाई से ज़्यादा मस्ती करी होती है, है ना, और फिर क्या नाम है, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, which we used to remember too much, है ना। जब हम छोटी क्लासेस में होते हैं, लाइक ऑफ 7th 8th, तो कहते हैं भगवान जल्दी जल्दी स्कूलिंग हो, ये जल्दी जल्दी 12th क्लास से पास हो, जैसे कि हम इतना जो प्रेशर है हमारे ऊपर उसे हटा पाए। पर आप लोगों को ये नहीं पता है कि रियल प्रेशर आपने देखा ही कहाँ है, जो रियल प्रेशर है वो तो अभी आने वाला है, इजंट इट? आफ्टर योर 12th, आफ्टर योर 12th व्हेन यू विल डू ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और व्हेन यू विल डू योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, लाइक ऑफ एनी एग्जामिनेशन, यू विल फेस द पीयर प्रेशर, यू विल फेस द रिलेटिव प्रेशर, एंड यू विल फियर द एग्जामिनेशन फोबिया एज वेल।
है ना। तो दिस इज द थिंग, जब आपको थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा आपको दुख होगा है ना, पर अभी तो खुशी है आई थिंक, क्योंकि ग्रेड 12 में आ गए हैं है ना, होप सब अच्छे से पास हो गए हैं, अभी रिजल्ट आना बाकी है। आई नो, आई प्रे टू गॉड, माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू दैट यू विल एक्सेल इन योर एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर सब्जेक्ट वेरी नाइसली। सो इतनी सारी बातों के बाद लेट्स मूव ऑन विद आवर टुडेज सेशन। उससे पहले अच्छा ब्लैक से नहीं बनाते, ओके, लेट्स मेड इट फ्रॉम रेड। रेड इज द सिंबल ऑफ ऑस्पिशियसनेस है ना, और रेड किस और रेड जो कलर है वो किस और चीज़ का सिंबल है तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। नहीं पता, अभी हम जो हमारी पोइट्री करेंगे उसमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो वेलकम टू ग्रेड 12। नाउ आई विल से यू आर नॉट अ चिल्ड्रन, यू आर नॉट अ फुली एडल्ट मैन, you are youth, you are a youngster, isn't it? So hope you'll understand English plus Hindi as well, hai na? So I use English plus Hindi, both lingues. So let's start with our today's topic, that is telephone conversation by Vole Soyinka. Now this poem written by Vole Soyinka, you could see over here, he is Vole Soyinka, a Nigerian poet. ओके, ही इज फ्रॉम अफ्रीका, स्पेसिफिकली फ्रॉम नाइजीरिया, है ना। नाइजीरिया क्या है, अफ्रीका में ही एक सिटी का नाम है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं, नॉट सिटी, यू कुड से इट अ प्लेस इन अफ्रीका, ओके। तो Vole Soyinka, तो इनका फुल नेम अगर हम देखें तो बहुत अजीब है इनका फुल नेम, Ekwende Oluwole Baba Tude Soyinka, ये पूरा एक फुल नेम है, लग रहा है मैंने क्या अरेबिक बोल दिया है ना। इनका यही फुल नेम है, इसलिए मैं नहीं लिख कर लाया आप लोगों को कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए कि भाई इंग्लिश के पढ़ाने के साथ साथ क्या उर्दू और फारसी भी पढ़ाने लगे हैं है? तो इनका फुल नेम क्या था, याद नहीं रखना है, बस सुन लीजिए, ओके। Ekwende Oluwole Baba Tude Soyinka, बाबा टुंडे Soyinka, ये पूरा इनका नाम था, पर हम क्या बोलेंगे, Vole Soyinka, ठीक है। इतना टफ नाम ना ही मैं ले पाऊंगा ना ही आप ले पाएंगे, है ना। तो देखिए अभी तक हमने क्या एनालाइज किया है, एक चीज़ और देख लेते हैं। अभी तक हमने एनालाइज किया है कि जो ये पोइट्स हैं यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, है ना, पोइट से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, पर फिर भी हमें पोइट के बारे में, राइटर के बारे में जानना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, हमें इसलिए ज़रूरी है, अगर पास्ट में नहीं आया तो फ्यूचर में काम आएगा, बिकॉज ये जो पोइट्स के नाम है या ऑथर्स के नाम ही कब पूछे जाते हैं, इन कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जब आप इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट लेंगे और उसमें जब आपको मिलेगा, क्या क्या मिलेगा आपको, जब आपको क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि बताइए स्ट्रेंज मीटिंग का पोइट कौन है, स्ट्रेंज मीटिंग किसने लिखी, देन यू विल से विल्फ्रेड रोबिन, बताइए व्हाई आई लाइक द हॉस्पिटल का कौन है, देन यू विल से टोनी होगलैंड, बताइए एडवाइस टू यूथ का कौन है, देन यू विल से मार्क ट्वेन, बताइए द दिस वन कैन लीव वाली जो ये पेपर मैनेजरी का कौन है, कैन लीव, है ना। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आगे आ सकते हैं, ट्वेल्थ में नहीं आएंगे मुझे पता है नहीं आएंगे, पर आगे जब आप कॉम्पिटिशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एज अ इंग्लिश सब्जेक्ट लेंगे तो वहाँ पे MCQ में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो यू नीड टू बी वेरी लाइक कॉन्साइज अबाउट योर this thing, that poet, okay. So let's start with our today's topic, Vole Soyinka. Full name मैंने बताया, बहुत खतरनाक नाम था, आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, okay. So you could see over here, he is Vole Soyinka, है ना। हल्का से इनका complexion कैसा है, dark है। देखो अब इसका इनका complexion जो है वो dark है, हमें पता लग जाना चाहिए, क्योंकि हम अभी तक जितने भी पोम्स पढ़ते आ रहे हैं वो कहाँ की हैं, ऑब्वियसली कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड की हैं। ये सारी पोम्स, ये हमारी जो रैप्सोडी बुक है ना, ये हमें क्यों दी गई है, रैप्सोडी का मतलब ही ये है कि एक्सप्रेस टू शार लव, टू शार हैप्पीनेस। हम कैसे
शार्प कर पाएंगे हैप्पीनेस? कैसे शार्प कर पाएंगे? जब हमें प्रॉब्लम्स के बारे में पता होगा तभी तो हम खुशी दे सकते हैं किसी को, जब हमें परेशानी के बारे में पता हो कि भाई इसको ये परेशानी है, इसे मुझे इसे रिड ऑफ करना है इस परेशानी को, इजंट इट? तो जब तक हमें परेशानी ही नहीं पता है तब तक हम उस पर कैसे काम करेंगे? तो हमें ये लाइक रैप्सोडी इसलिए पढ़ाई जा रही है जिससे कि हम अवेयर हो सकें हमारी सोसाइटी के लेवल को. ओके, देखो उस टाइम पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, ये जो इकोनॉमी है, कैश है, ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं थी कि अरे एक गरीब है एक अमीर है. नो, दिस वर नॉट द प्रॉब्लम्स. द प्रॉब्लम्स वर वेरी सिंपल एंड द प्रॉब्लम वॉज कॉन्स्टेंट एज वेल, दैट इज ऑफ कॉम्प्लेक्शन. रेसिज्म है ना, रेसिज्म की प्रॉब्लम बहुत थी. तो उसी चीज़ को देखने वाले हैं. आप देख सकते हैं बोले सोइंका का कॉम्प्लेक्शन भी डार्क है ना, क्योंकि इनका कॉम्प्लेक्शन डार्क है. लाइक माया एंजलू, माया एंजलू भूले तो नहीं हो, वाई द केस्ड वर्स थिंग्स, आई नो वाई द केस्ड वर्स थिंग्स, राइट? उसमें माया एंजलू भी कैसी थी, कुछ इसी तरीके की थी, है ना? तो उन्होंने भी क्या बताया था, केस्ड वर्ल्ड कौन है, एफ्रो अमेरिकन, जो अफ्रीकन है ना, और फ्री बर्ड फ्लाइंग बर्ड कौन है, द वाइट पीपल, जो निग्रो होते हैं वो. ओके, निग्रो एंड आर्यंस, द बोथ आर पीपल, है ना. आर्यंस वर वेरी वाइट इन कलर, निग्रो दे वर डार्क इन कलर, है ना. तो निग्रो को क्या प्रॉब्लम सहनी पड़ती है एंड वट वर द टॉर्चर्स दे यूज टू सफर फ्रॉम, वो सारी चीज़ें हमने उस पोअम में पढ़ी थी और इस पोअम में भी पढ़ रहे हैं, है ना, पढ़ेंगे. और हमने कहाँ पढ़ी है, याद करो, ऑब्वियसली हमारी सेकेंड पोअम, क्लास टेंथ की, क्लास नाइन्थ की बेसिकली मैं कहूँगा सेकेंड पोअम, जो कि क्या थी, वॉट वॉज द नेम ऑफ द पोअम? फर्स्ट पोअम वॉज द हार्ट ऑफ द ट्री, इजंट इट? एंड आई डोंट नो अबाउट द सेकेंड पोअम, जो कि हेनरी काइलर बर्नर ने लिखी थी. फर्स्ट पोम हेनरी काइलर बर्नर की थी, सेकंड पोम प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा. तो उसमें भी आपने देखा था कि देर वॉज अ टॉपिक ऑफ रेसिज्म. तो ये सारी पोम्स हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक ही चीज़ पे रुकती हैं, वो एक ही जगह है, क्या है, जातिवाद, है ना. जातिवाद मतलब डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन मतलब मैथ्स का डिफ्रेंशिएशन नहीं, डिफरेंसेस, है ना, दो लोगों के बीच में डिफरेंसेस, काले गोरे का भेदभाव. So, this was all about. Let me read about Bole Soinka. Otherwise, you will get bored and you will switch off the phone. Okay, so let's go. Okay, let's go about Bole Soinka. कौन थे Bole Soinka? So, Bole Soinka, he was a popular African writer. कहाँ के थे? African writer थे. More specifically, बात करें तो कहाँ से थे? Nigeria से. Okay. He has written poems, novels, essays and very famous plays. मतलब इन्होंने poems में भी अपना हाथ दिया है, मतलब he used to write the poems, essays and very famous novels as well. Okay? And he won the Nobel Prize for Literature in 1986. इन्होंने 1986 में इन्हें क्या मिला था, एक Nobel Prize मिला था. और उनके कुछ सिग्निफिकेंट प्लेस, उनके कुछ सिग्निफिकेंट ड्रामास देख लेते हैं. उनके कुछ सिग्निफिकेंट ड्रामास क्या हैं? द ट्रायल ऑफ ब्रदर जेरो, द ट्रायल ऑफ ब्रदर जेरो, द स्ट्रॉन्ग बियर्ड, द स्ट्रॉन्ग ब्रेड, ओके, एंड एसेक्ट्रा. दीज ऑल आर द फेमस लाइक ड्रामास. द ट्राइबल ऑफ ब्रदर जेरो, द स्ट्रॉन्ग ब्रेड, अबाउट बहुत सारे, है ना. इन्हीं की वजह से इतने फेमस हुए थे, इन्हीं की वजह से इतने बड़े प्ले राइट बन पाए थे. समझ आया इनके बारे में? कौन थे? नाइजीरियन पोइट थे जिन्होंने नॉवल्स लिखी हैं, एसेस लिखे हैं, है ना, पोम्स लिखी हैं, पोइट्रीज लिखी हैं और ड्रामा भी लिखे हैं. ही वॉज अ ग्रेट प्ले राइट, लाइक प्ले राइट, प्ले राइट जैसे कि मैंने पहले ही बताया हुआ है, हु यूज टू राइट द प्ले, है ना. इन्होंने कौन कौन से प्ले लिखे हैं? द ट्रायल ऑफ ब्रदर जेरो, द स्ट्रॉन्ग ब्रेड, ओके, ये सारी इनके पोम्स हैं, प्लेज हैं. ओके, तो आप देख सकते हैं, दिस वॉज योर इंट्रोडक्शन अबाउट Bole Soinka, है ना. इनका मैंने नाम भी बताया था विच वॉज वेरी वियर्ड, आप सिर्फ Bole Soinka याद रख सकते हैं, isn't it? और ये अभी भी हैं, मैं आपको बता दूँ ये अभी भी हैं, ही इज़ नॉट डाइड, ओके, ये अभी भी हैं.
So I hope now you are clear about Vole Soyinka. Okay, Vole Soyinka. Or let's read about the poem. देखिए पहले के टाइम में क्या होता था, पहले के टाइम में जो पोइट्स थे उस टाइम पर सटायर, ओके सटायर, सरकाजम, आयरनी, ये तीन नई नई चीज़ें आई थी। तो उस टाइम पर बहुत क्रेज़ था कि अरे भाई हम भी अपनी पोम में इस चीज़ को डालेंगे, है ना, हम भी अपनी पोम में ऐसी चीज़ डालेंगे जो सटायर को यूज़ करे, जो सरकाजम को दिखाए। क्यों करते थे ऐसा? सरकाजम का मतलब क्या है, सटायर का मतलब क्या है? एक तरीके से वो सिचुएशन, है ना, किसी भी सिचुएशन को बहुत रेडिकुलस वे में कह दिया है, डबल मीनिंग करके कह दिया है, इसी का तो मतलब होता है ना, भूले तो नहीं हो, मैंने बहुत अच्छे से बताया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सटायर, आयरनी एंड सरकाज़म। तो देखिए यहाँ पे वोले सोइंका ने भी सटायर का यूज बहुत किया है, ही हैज यूज अ ग्रेट सटायर, है ना। तो लेट्स रीड अबाउट द पोइट, ओके अबाउट द पोएम, पोएम क्या कहना चाहती है, तो बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोएम है। द पोएम फोकस ऑन द कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ वाइट लैंड लेडी एंड अ ब्लैक पर्सन हु वॉन्ट्स टू हैव एकोमोडेशन ऑन रेंट। अब देखिए यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, टेलीफोन कॉन्वर्सेशन, टाइटल क्या कहना चाह रहा है आप खुद समझिए पहले, ऑब्वियसली कोई बात हुई होगी, कोई कॉन्वर्सेशन हुई होगी टेलीफोन पे, है ना। देखिए टेलीफोन पे जब भी हम कॉन्वर्सेशन करते हैं, जब भी हम बात करते हैं, क्या कहते हैं हम, हाँ ये वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, इट्स ओके, मुझे कोई फर्क मतलब नहीं बनता है कितनी भी लंबी जाए, बस समझाना है अच्छे से। नाउ यू आर इन 12th क्लास, है ना, डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। देखिए जब भी हम बात करते हैं किसी भी पर्सन से, पहली बार ही बात करते हैं तो हम बहुत पोलाइट होते हैं, है ना, हम कहते हैं और कैसे हैं, इस तरीके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे हैं, क्या नाम है, कहाँ से हैं, क्या काम है, क्या चाहिए, ओके जब वो बता देता है मुझे ये काम है तो हम उसकी, अगर हमें पता है हम उसकी हेल्प कर देते हैं, नहीं पता है तो सिंपली बहुत पोलाइट वे में कह देते हैं कि भैया मुझे नहीं पता, ओके आप एक काम करिए किसी और से पूछ लीजिए, इज इट, इस तरीके से कॉन्वर्सेशन चलती है। या कहीं गलत फ़ोन लग जाता है, मिसमैच हो जाता है, है ना, तो क्या कहते हैं, बहुत पोलाइट वे में डिनाई कर देते हैं कि भैया माफ़ कीजिए, सॉरी गलत जगह फ़ोन लग गया, इज़न्ट इट, सो दिस इज़ अ वेरी पोलाइट वे ऑफ सेइंग, बहुत पोलाइट वे है ये, है ना, बहुत लाइक रिस्पेक्टफुली और सेइंग। पर क्या होगा अगर आपका फ़ोन कॉल है और कोई पर्सन आपसे, मतलब अगर आप कुछ चाहते हैं उससे, सपोज आपको चाहिए एक सपोज यू नीड फ्यू मनी, हम इसकी पोएम को हटा के थोड़ा सा एक अलग एग्जांपल लेते हैं, यू लाइक यू नीड फ्यू मनी लाइक ऑफ 50 and 100 मनी, वेरी सिंपल इजंट इट, क्या हो जिससे आप रुपए मांग रहे हैं, है ना, वो ये पूछे, वो ये नहीं पूछे भाई आपको पैसे क्यों चाहिए, भाई क्या काम है, ये पूछकर रेदर देन आस्किंग दिस क्वेश्चंस, दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, वो पूछे कि सबसे पहले ये बताओ आपका कलर क्या है, जी आपका कलर कॉम्प्लेक्शन क्या है, आपका बॉडी का फेस क्या है, आप बॉडी का कलर क्या है, वाइट है, ब्लैक है, और वाइट और ब्लैक में भी किस तरीके की वाइट और ब्लैक है, क्या बिल्कुल मिल्क चॉकलेट की तरह है या डार्क चॉकलेट की तरह है, कैसा लगेगा आपको, जस्ट इमेजिन, क्योंकि बिना इमेजिनेशन से आप कुछ नहीं पढ़ सकते इंग्लिश में, है ना, इंग्लिश हो हिंदी हो कुछ भी हो, आपको इमेजिनेशन करनी होगी थोड़ी, जस्ट इमेजिन आपसे पूछा जाए कि आप किस कलर के हैं, डार्क ब्राउन कलर के हैं या वाइट चॉकलेट कलर के हैं, और डार्क ब्राउन के भी हैं तो उसमें भी कौन सा कलर, सेपिया कलर, सेपिया एक कलर होता है जो बहुत ज़्यादा डार्क होता है, बहुत ज़्यादा डार्क, सेपिया कलर है या लाइट सेपिया है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएँ, है ना, तो क्या होगा, जस्ट यू कुड थिंक, है ना, तो यही इसी टाइप की कॉन्वर्सेशन होती है। कॉन्वर्सेशन कोई पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव कॉन्वर्सेशन पूछी जा रही है, इसके ऊपर, इसके कलर के ऊपर, इसके कॉम्प्लेक्शन के ऊपर, ओके, विक्टिम कौन है यहाँ पे, दिस पर्सन, दिस ब्लैक पर्सन, और कौन पूछ रहा है क्वेश्चंस, ये वाइट पर्सन, यू कुड सी लुकिंग वेरी 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 नेस्टी लाइक वो वुमेन, है ना। तो चलिए समझते हैं, सॉरी, ओके लेट्स गो विद आर पोएम, है ना। सो
The poem focuses on the conversation between a white lady and a black person who wants to have accommodation on rent. देखिए, black person है, मतलब जो person है, उसे घर चाहिए था, है ना? उसे घर चाहिए था rent पे रहने के लिए. तो उसने call किया ऐसे ही. जब उसे पता चला कि हाँ यहाँ पे मिलता है rent पे घर, तो उसने call किया. जब उसने call किया तो एक lady ने उठाया, एक American lady ने उठाया जिसका color complexion काफ़ी ज़्यादा लाइट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वाइट कलर का कॉम्प्लेक्शन है ना? अभी उस लेडी को नहीं पता है कि जो पर्सन है, जो लड़का है ना, जो जिसे रेंट पे घर चाहिए, उसका कलर ब्लैक है. अभी उसे नहीं पता है ना? तो देखिए यहाँ पे एक सिचुएशन कैसी बनती है. जब आपसे लाइक पूछा जाता है, जब जो लड़का है वो क्या कह, सबसे पहले वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, मतलब उसने ये सही समझा अपने आप को इंट्रोड्यूस करना कि मैं एक अफ्रीकन हूँ. जब उससे पहले वो लेडी जो है वो बहुत अच्छे से बात करती है उस लड़के से, है ना, पर जैसे ही उस लड़के ने कहा, जैसे ही उस लेडी को पता चला कि उसका कलर कॉम्प्लेक्शन, उस लड़के का जो कलर कॉम्प्लेक्शन है वो कैसा है, डार्क है, वैसे ही वो लड़की जो है भड़क गई. भड़क नहीं गई, मतलब इस तरीके के अजीब अजीब स्ट्रेंज क्वेश्चंस पूछने लगी, कितना डार्क है, क्या डार्क चॉकलेट की तरह है या लाइट चॉकलेट की तरह है, किस तरीके का कलर है तुम्हारा, सेपिया कलर है या उससे थोड़ा लाइट है, सेपिया बहुत डार्क ब्राउन कलर होता है, ओके, तो बताइए, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस पूछने लगी. कितने डार्क हो, क्या थोड़े गोरे हो या बिल्कुल ही काले हो, है ना, इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आप पूछें या आपसे कोई पूछे तो क्या हाल होगा आपका, सोचिए कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, कितना ज़्यादा सप्रेस किया जा रहा है लोगों को. So, let's see. Okay. The poet uses this situation to express the mindset of the white people and who discriminate on grounds of color and race. मतलब वोले सोइंका इस poem को इसलिए लिखा है वोले सोइंका ने, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि क्या condition है black person की, क्या condition है dark complexion person की, वो person जिनका color complexion क्या है, dark है. So this was the major issue in the society. जो society है उसमें बहुत major issue था इस चीज़ का, है ना? तो जो situation है वो ये दिखाती है कि जो white people है, okay, वो उस person से इस तरीके questions पूछ रहा है, okay, और उस person को discriminate कर रहा है on the color of ground. Color of ground का मतलब है क्योंकि उसका color थोड़ा सा dark है, थोड़ा सा मिट्टी color है, isn't it? The man who is seeking a house on rent is aware of his black color and the expected dislike of the white lady. और जिस person को rent पर जिस person को वो घर चाहिए था, उसे अपने color का भी पता था कि हाँ मेरा color थोड़ा dark है भाई, और उसे उस lady का भी, उसे मतलब लोगों का भी पता था कि अगर कोई white person हुआ तो वो मेरे साथ ऐसे ही questions पूछेगा, क्योंकि वो victim था, उसे पहले भी इस तरह के questions पूछे गए हैं, है ना, सेम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम द विक्टिम पर्सन. तो ही वाज टोटली अवेयर एंड दैट्स व्हाई ओवर द वीडियो, लाइक ओवर द ऑल ओवर द पोम, आपको कहीं भी जो पर्सन है, जो ब्लैक पर्सन है, उसका गुस्सा नहीं दिखेगा. क्यों? क्योंकि उसे पता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस मुझसे पहले भी पूछे गए हैं, है ना. वो इतने गंदे गंदे क्वेश्चंस पूछती हैं, सीरियसली इतने गंदे गंदे क्वेश्चंस पूछती हैं, पर फिर भी जो पर्सन है ही इज़ वेरी इन अ वेरी काम मूड, ही इज नॉट वेरी फ्यूरियस, है ना. नेक्स्ट, इट रिवील्स दैट दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट एन आइसोलेटेड एग्जाम्पल, है ना, दिस. और ये इस टाइप के क्वेश्चंस क्या रिवील करते हैं, क्या दिखाते हैं कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये सिर्फ अकेला एक डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इससे पहले भी उसके साथ बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन हो चुके हैं. बहुत सारे लोगों ने परहैप्स बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया हो उसे रहने के लिए, है ना, इससे पहले भी मना कर दिया हो लोगों को रहने के लिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा खतरनाक कंडीशन थी उस टाइम पे ब्लैक पर्सन की, है ना. एंड इट इज़ अ यूजुअल हैपनिंग, उसके लिए क्या थी, बस एक सिंपल सी बात थी, एक ऐसी हैपनिंग थी, एक ऐसी घटना थी जो हमेशा होती रहती थी उसके साथ, है ना, एक ऐसी यूजुअल हैपनिंग, मतलब एक ऐसी घटना उसके साथ जो हमेशा होती रहती है.
भाई अगर आज हमसे कोई कह दे कि कितने काले हो तो हम एक साल उस बात को बैठे रहे लेकर, पर वो पर्सन बिल्कुल काम था, बिल्कुल चिल था, बिल्कुल मज़े में था। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि इस टाइप के क्वेश्चंस उससे पहले ही पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, है ना। उसने इस चीज़ को, उसने अपने कलर कॉम्प्लेक्शन को अपना वीकनेस नहीं बनाई, अपने क्या बनाया, अपना हाईएस्ट पॉइंट, अपना आप कह सकते हैं अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बनाया, एंड दैट्स व्हाई ही इज इन अ वेरी चिल मूड, इजंट इट। अब द रिस्पॉन्स ऑफ द लेडी एक्सपोज द वे शी हैज एन ऑलरेडी फिक्स्ड एटीट्यूड एंड ओपिनियन अबाउट द क्लो, अबाउट द कलर्ड पीपल। और इस टाइप के क्वेश्चंस, इस टाइप के रिस्पॉन्सेज जो लेडी ने दिए, है ना, जैसे कि मैं बता रहा हूँ बार बार, हाउ डार्क, हाउ लाइट, सेपिया कलर की हो या उससे लाइट हो, है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस क्या बताते हैं, क्या रिवील करते हैं कि जो लेडी है उसका एकदम उसका एटीट्यूड जो है बिल्कुल फिक्स था, है ना, उसका एटीट्यूड फिक्स था बिल्कुल कलर्ड पीपल के लिए। मतलब उसने ठान लिया था कि भाई अगर गोरा मतलब पर्सन आएगा तो मैं उसे अपना रेंट पे दूंगी घर, अगर कोई काला आया तो मैं उसे सीधे मना कर दूंगी, है ना। नाउ हियर स्टार्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, है ना, मैंने पहले ही कहा है जहाँ पे आयरनी, सटायर, सरकाज्म जैसी चीज़ें आ जाती हैं वहाँ पे इसकी हर पोएम की इंपॉर्टेंस अपने आप ही बढ़ जाती है। आपने देखा होगा आपकी रैप्सोडी में, है ना, 11th में भी आपने देखा होगा आपकी रैप्सोडी में बहुत सारी चीज़ें यूज़ की गई हैं इस चीज़ पर, है ना। और हम इस पूरी वीडियो को बहुत लंबा खींचने वाले हैं बिकॉज मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ, ओके। पर सबसे पहले हम यहाँ ये देख लेते हैं कि ये नया वर्ड क्या है। सटायर तो हमें समझ आता है, सटायर ये है, बट ये बाइटिंग सटायर क्या है भाई, है ना, वो हम समझ लेते हैं। तो उससे पहले लेट्स रीड दिस पोम इज अ बाइटिंग सटायर। ये पोम एक बाइटिंग सटायर है ऑन द रेसिस्ट एटीट्यूड ऑफ द वाइट पीपल। किसके लिए? जो वाइट पीपल हैं उनका कलर के ऊपर उन्हें डिस्क्रिमिनेट करना, उनकी बेइज्जती करना, उन्हें बहुत नीचा दिखाना, है ना, उसके ऊपर ये सटायर है। बाइटिंग सटायर क्या होता है? सटायर तो पता है ना आप लोगों को, सटायर का मतलब है समथिंग वेरी रिडिकुलस, है ना, बट बाइटिंग का मतलब है यहाँ पे बहुत तीखी, बहुत मतलब इस तरीके के सटायर का यूज़ हुआ है कि उसे सुनकर किसी का भी मन जो है वो बिल्कुल बेकार हो जाए। बहुत तीखी, बहुत तेज़ सटायर का यूज़ हुआ है यहाँ पर, ओके। तो ये बाइटिंग सटायर का मतलब बहुत स्ट्रिक्ट सटायर, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी सटायर जिसे सुनकर आपका मन जो है वो बिल्कुल गुस्से से भर जाए, है ना, इसलिए इसे क्या कहते हैं बाइटिंग सटायर, ऐसी बिल्कुल काटने वाली सटायर, है ना। तो ये किस लिए यूज़ की गई है? पोइट के थ्रू। बोले सोइंका ने क्यों यूज़ किया है इसे? ये दिखाने के लिए दैट जो कॉन्वर्सेशन है लोगों की, ओके, जो उस वुमेन की कॉन्वर्सेशन है, उस वुमेन कॉन्वर्सेशन में ही किस तरीके से आप अपना प्रिजोडाइज का मतलब है अपनी डिफरेंसेस, कलर के ऊपर डिफरेंसेस को शो करती है एक बहुत ही अम्यूजिंग वे में, ओके, किस तरीके से, सॉरी, जो मैन है, नॉट वुमेन, जो मैन है वो किस तरीके से अपने जो कलर है उसे अपनी स्ट्रेंथ बनाता है ना, अपनी स्ट्रेंथ बनाता है, वो किस तरीके से बात करते हैं आप देखिएगा इसमें। आप देखेंगे कि जो पर्सन है वो बिल्कुल भी परेशान नहीं है इस चीज़ को सुन के। हम अगर सुन लेते हैं कि अरे तुम बहुत काले हो, तुम बहुत डार्क, मतलब गोरे हो, तुम बहुत काले हो, इस तरीके के शब्द, तो हमें बहुत गुस्सा आ जाती है। पर उस पर्सन से जब इस तरीके के शब्द कहे गए कि कितने काले हो, क्या तुम्हारे जो तलवे हैं वो गोरे हैं थोड़े बहुत, है ना, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए, तो उस पर्सन को गुस्सा आ गई, उस पर्सन को गुस्सा नहीं आया, एंड ही वॉज इन अ वेरी चिल मूड, है ना, वो बहुत चिल मूड में है। इसलिए यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे सटायर का यूज़ किया गया है। क्यों सटायर का यूज़ किया गया है? जो वुमेन है वो इतने बुरे शब्द बोल रही है उस पर्सन के लिए, फिर भी उस पर्सन के माथे पे एक शिकन नहीं है, वो पर्सन थोड़ा सा भी परेशान नहीं है, थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं है उसमें, है ना। सो दैट्स वाई हेयर ही हैज़ यूज द बाइटिंग सटायर। आप इस चीज़ को याद रखेंगे, मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया, बाइटिंग सटायर मतलब कोई ऐसी चीज़ कह देना, ऐसी बात को कह देना, है ना, जो बहुत कड़क है, बहुत ज़्यादा बुरी है, पर
जो पर्सन जिसके ऊपर ये बात कही गई है उसे उस बात को बहुत ही अम्यूजिंग वे में, बहुत ही मज़ेदार वे में उसे ले लेना, है ना। सपोज एक पर्सन मेरे पास आया, इसे समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। उसने कहा यार तुम बहुत काले हो, सपोज उसने मुझसे कहा तुम बहुत काले हो, तो मैं क्या करूँगा, बहुत गुस्सा आएगी, बहुत रोना आएगा, बहुत इस तरीके के एक्सप्रेशंस आते हैं। पर एक और पर्सन है वो भी मेरी तरह है, लेट्स सपोज ब्लैक है ना, तो जो पर्सन है उसने सेम क्वेश्चन करा उससे भी कि तुम भी इसकी तरह बहुत काले हो, क्योंकि मुझे गुस्सा आया, पर उसने बहुत हंसकर कहा कि ठीक है मैं काला हूँ, मेरे लिए हूँ, है ना। लॉर्ड कृष्णा वॉज ऑल्सो इन अ डस्की मैनर, ओके, हिज कलर कॉम्प्लेक्शन वॉज ऑल्सो डस्की, उनका कलर कॉम्प्लेक्शन भी थोड़ा डस्की था, है ना, बट He was never made like जो person है जिससे ये question किया गया है मेरे पास जो खड़ा हुआ है उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने एक अच्छा सा example दिया, कृष्ण भगवान भी तो काले हैं, है ना, बहुत हंसकर। तो ये चीज़ क्या हुई, आप इतनी तीखी चीज़ आप किसी से कह रहे हैं, rather than furious, rather than fury, he is smiling, he is in a very comfortable mood। तो आप उस सिचुएशन का अपोज कर रहे हैं, आपको गुस्सा आना चाहिए, आप गुस्सा नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, बिल्कुल शांत हैं। तो दिस इज नोन एज द वाइटिंग सटायर, मतलब ऐसे क्वेश्चंस पूछकर, जो क्वेश्चंस इस लेडी ने पूछे हैं, इस क्वेश्चन को सुनकर आपको हंसी भी आएगी, गुस्सा भी आएगा, क्योंकि गुस्सा और हंसी दोनों साथ साथ आएंगी, है ना, इसलिए इसे कहते हैं वाइटिंग सटायर। आई होप अब आपको कोई इशू नहीं होगा अबाउट दिस थिंग, है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद आर टुडेज टॉपिक। उससे पहले हम देख लेते हैं, एक और चीज़ देख लेते हैं कि क्या क्या, मतलब कौन कौन से इशू जो हैं वो इस पोम में दिखाए गए हैं, क्या क्या तकलीफें, क्या क्या प्रॉब्लम्स दिखाई गई हैं इस पोम में। तो सबसे पहला है रेशियल हेट्रेड। रेशियल हेट्रेड का मतलब है रेशियल, मतलब कलर के ऊपर, कॉम्प्लेक्शन के ऊपर हेट करना, है ना, अरे तू इतना काला क्यों है, है ना, इस तरीके से हेट करना। दूसरा है आपका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अगेन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड रेशियल हेट्रेड बोथ आर द सेम थिंग, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू राइट इन योर आंसर्स, आपको यही चीज़ अपने आंसर्स में लिखनी है, है ना, यही चीज़ आपको अपने आंसर्स में लिखनी है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। थर्ड है आपका एब्सर्डिटी ऑफ रेसिज्म। एब्सर्डिटी ऑफ रेसिज्म का मतलब क्या है, स्टूपिडिटी, ओके, एब्सर्डिटी का मतलब लाइक स्टूपिड चीज़, कोई बहुत ज़्यादा बुरी चीज़, है ना, स्टूपिड मतलब बिल्कुल जो पागलों वाली चीज़, है ना। रेसिज्म के ऊपर किस तरीके की स्टूपिडिटी दिखाई गई है इस पोम में, वो उसके ऊपर भी बात करेंगे, वो भी एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज कलर ऑफ प्रेजुडाइज, मतलब कलर के ऊपर प्रेजुडाइज किया जा रहा है, शेम किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज एपैथी ऑफ इनह्यूमैनिटी। एपैथी का मतलब होता है बहुत उदासीनता, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा दुख। एपैथी ऑफ एंड इनह्यूमैनिटी मतलब किस तरीके से ह्यूमैनिटी को बिल्कुल मार दिया गया है, किस तरीके से ह्यूमैनिटी को शो नहीं किया गया है, इसी तरीके हम इस पोम में देखेंगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रेसिज्म, अगेन रेसिज्म आता है, रेसिज्म एंड जीनोफोबिया, ओके, रेसिज्म एंड जेनोफोबिया। अब ये जेनोफोबिया क्या होता है, जेनोफोबिया का मतलब होता है फॉरेन पीपल से, मतलब जो हमारी तरह नहीं दिखते हैं उनके लिए हेट, उनके लिए नफरत। जैसे अगर मैं नफरत करूं किसी फॉरेनर से, सो दैट विल बी अ जेनोफोबिया। ये कलर कॉम्प्लेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, ये सिर्फ उस चीज़ पे डिपेंड करती है कि हम किसी बाहर वाले पर गुस्सा दिखा रहे हैं, बाहर वाले से नफरत कर रहे हैं। सपोज मेरा कलर थोड़ा ठीक ठाक है, ओके, एंड जो मेरे पास आया पर्सन उसका कलर थोड़ा डार्क है, मैं उस पर गुस्सा दिखा रहा हूँ, तो ये मेरा क्या होगा, जेनोफोबिया। मैं फॉरेनर, जो फॉरेन पीपल है, जो दूर से आया है कोई पर्सन, उस पर गुस्सा दिखा रहा हूँ। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जेनोफोबिया का, जेनो का मतलब होता है स्किन, ओके, एंड फोबिया का मतलब होता है डर, मतलब ऐसा डर जो फॉरेन पीपल के लिए हो। एंड नेक्स्ट इज मोटिव ऑफ गीथोइजेशन का मतलब है
लाइक मोचिप का मतलब समझते हैं सबसे। मोचिप का मतलब है किस चीज़ की हमें पिक्चर बना लेना, किस चीज़ का मतलब अपने दिमाग पे छोड़ देना किस चीज़ को, है ना, किस चीज़ को अपने दिमाग पे छोड़ देना। तो किस चीज़ को हमने अपने माइंड में छोड़ दिया है, गिथोइजेशन। गिथोइजेशन का मतलब है जीविश के लिए जो हेट है। यहाँ पे जो पर्सन है, जो मैन है, वो जीविश है, वो एक जीविश है, यहूदी है, ठीक है, तो उसके लिए भी यहाँ पे हेट दिखाई गई है। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग, सेल्फ वर्सेस अदर्स, दिस इज इम्पॉर्टेंट। सेल्फ वर्सेस अदर्स, सेल्फ वर्सेस अदर्स का मतलब क्या है कि हम अपने लिए तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना, हमारे जैसे जो लोग हैं, सपोज मेरे मेरे घर पे मेरे रिलेटिव्स आए, है ना, और उधर मेरे फ्रेंड के रिलेटिव्स आए, लेट्स सपोज, लेट्स टेक अ हाइपोथेटिकल कंडीशन, ऐसा होता नहीं है पर एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लेते हैं। अब मैंने अपने रिलेटिव्स, क्योंकि वो मेरे रिलेटिव्स हैं, नाना नानी दादा दादी ये रिलेटिव्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा बिहेवियर किया, उन्हें अच्छा खाना खिलाया, अच्छी चीज़ें करी, वहीं मेरे फ्रेंड के जो रिलेटिव हैं मैंने उन्हें कुछ नहीं दिया, है ना। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सेल्फ वर्सेस अदर्स, जो हमारे हैं हम उनके लिए ही करेंगे, दूसरों के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। दिस फीलिंग इज नोन एज सेल्फ वर्सेस अदर्स, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। इस पोम में आप देखेंगे द फिजिकल एज वेल एज द साइकोलॉजिकल, मतलब माइंड में किस तरीके के प्रेशर होते हैं, किस तरीके के प्रेशराइज पॉइंट्स होते हैं, है ना। एंड द नेक्स्ट इज ब्लैक सब्जेक्टिविटी। ब्लैक सब्जेक्टिविटी का मतलब है किसी के फीलिंग, किसी के ओपिनियन पे जज करना, किसी के कलर के ऊपर। ब्लैक सब्जेक्टिविटी का मतलब है कि कलर कॉम्प्लेक्शन के ऊपर जज करना कि वो पर्सन कैसा होगा। इसका भी एग्जांपल देते हैं, सपोज एक पर्सन मेरे पास बहुत थोड़ा काला आया, तो मैं उसे कलर देख कर ये पहचानूंगा, ये इतना डार्क है, ये क्या ही कर लेगा, ये कैसा है यार, है ना। तो इस तरीके का अब इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ब्लैक सब्जेक्टिविटी, मतलब कलर पे ही हमें निर्धारित कर लेते हैं कि ये पर्सन कैसा है, जबकि ऐसा होता नहीं है, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। दिस इज जस्ट योर बाइट सेट, इज इट, ये आपका बाइट सेट है। और मैंने आजकल इंडिया में भी देखा है कि काफ़ी लोग इस तरीके की चीज़ रखते भी है, जो ब्राउन कलर के हैं इट्स ओके, जो बहुत ब्लैक है, बिल्कुल डार्क है, उनके लिए दिस थिंग गोज ऑन, ये चीज़ जाती है, दिस इज वेरी 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 अपसेटिंग, है ना, बहुत ग्लूमी है, बहुत अपसेटिंग है। प्लीज़ यू गाइज, प्लीज़ डोंट डू दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स, है ना। नाउ यू आर, यू बिकेम लिटिल बिग, इज़न्ट इट, यू हैव दैट मोर दैट पर्टिकुलर सेंस ऑफ थिंकिंग कि हमें किसके साथ कैसी बिहेवियर शो करनी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप याद रख लीजिए, लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए किस तरीके के वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, कितने प्यारे वर्ड्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, है ना। तो इन चीज़ों को आप लिख सकते हैं, एंड यू कुड यूज दिस इन योर क्वेश्चंस, इन योर आंसर्स, राइट, व्हेन यू फ्रेम द आंसर, है ना, बहुत हेल्प करेंगे आपको। अच्छा, अब आते हैं हम असली बात पे। देखिए आधा घंटे से ज़्यादा हो गया इस चीज़ को समझाते, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ समझाई है मैंने। बाइटिंग सटायर क्या होती है, नई सटायर आपने देख ली, बाइटिंग सटायर मतलब किसी चीज़ को बहुत बुरी तरीके से कह देना, बहुत गुस्से में कह देना, उस चीज़ को कहते हैं बाइटिंग सटायर, है ना। लेट्स गो विद आवर पोएम। ओके, जैसे कि मैंने कहा ये पोएम किसके ऊपर है, दो लोगों के ऊपर है, है ना। अ ब्लैक मैन, जो पर्सन, जो आदमी है वो काला, ये चीज़ आप याद रखेंगे। यहाँ पे बच्चों को पता नहीं क्यों बहुत डिफिकल्टी होती है, वो पहचान नहीं पाते कि लड़की गोरी थी या लड़का गोरा था। द गर्ल इज वाइट, ओके, गर्ल का कलर वाइट है, बट द बॉय इज इन अ सेपिया कलर, बॉय का कलर कैसा है, डार्क है, है ना। तो लेट्स गो विद आर पोएम। अच्छा, अब यहाँ पे पोइट बोले सोइंग का है, वो क्या कहते हैं, द प्राइस सीम्ड रीजनेबल, लोकेशन इनडिफरेंट। हम शुरू कर चुके हैं अपनी पोएम, अब यहाँ पे जो बोले सोइंग का है वो क्या कहते हैं, जो ब्लैक पर्सन है, है ना, यहाँ पे ब्लैक पर्सन जो है वो क्या कह रहा है, ब्लैक पर्सन कहता है कि घर का जो प्राइस है वो जो ठीक ठाक है, रीजनेबल का मतलब है अप्रोप्रिएट है, बढ़िया है, इजंट इट। अब जो ये पोएम है वो एक ड्रामेटिक नोट पे स्टार्ट होती है, ड्रामेटिक नोट मतलब बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक वे में स्टार्ट होती है, कि जो प्राइस है घर का,
है ना, जो ब्लैक अफ्रीकन मैन है उसे घर का जो रेंट पे लिया था उसने घर, उसका प्राइस कैसा लगा? बहुत रीजनेबल लगा, मतलब बहुत बढ़िया लगा, ठीक ठाक लगा। लोकेशन इनडिफरेंट, और जो घर की लोकेशन है ओके वो उसके लिए ज़्यादा मैटर नहीं करती। ओके, लोकेशन इनडिफरेंट का मतलब है जो लोकेशन है वो ही ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा खराब है। ओके, मतलब जो घर है वो तो अच्छा है, वो तो ठीक ठाक है, पर घर के पास की जो जगह है इधर उधर की वो ठीक ठाक है, वो भी अच्छी है, ज़्यादा अच्छी नहीं है ज़्यादा बुरी नहीं है, वो उसके लिए कोई मैटर नहीं करती। ठीक है, उसके लिए घर मैटर करता है जो कि अच्छा है, है ना, उसे जिस प्राइस में चाहिए था, जिस रेंज में चाहिए था घर, उस रेंज में उसे मिल गया है, ये चीज़ उसके लिए अच्छी हुई है, है ना। नाउ द लैंड लेडी, अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस होती है लैंड लेडी, द वाइट लेडी। द लैंड लेडी स्वेयर शी लिफ्ट ऑफ प्रमाइसेस। अब जो लैंड लेडी है ना, जो मतलब मकान मालकिन है, वो प्रॉमिस करती है, स्वेयर का मतलब है प्रॉमिस, है ना, वो प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हारे पास नहीं रहूँगी, है ना, मैं तुम्हारे पास जो है वो नहीं रहूँगी। शी लिफ्ट ऑफ प्रमाइसेस, ऑफ प्रमाइसेस का मतलब है कि मैं तुमसे दूर रहूँगी, है ना। लैंड लेडी कहती है कि मैं इस घर से दूर रहूँगी, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, है ना। एंड इतना कह के शी जस्ट लेफ्ट, नथिंग रिमेन, नथिंग रिमेन का मतलब है इतना कह के वो चली जाती है, है ना, मतलब इतना कह के जब उसने इतना कहा कि मैं तुम्हारे पास नहीं रहूँगी तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, है ना, तो जो पर्सन है, जो ये जो मैन है जो बात कर रहा है, वो कहता है कि अब कुछ नहीं बचा, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, नथिंग लेफ्ट, नथिंग रिमेन्ड मतलब नथिंग लेफ्ट, अब कुछ नहीं बचा, जो भी मुझे पूछना था वो सारी चीज़ें इन्होंने बता दी हैं कि मुझे अकेले रहना है, मुझे थोड़ा सा अकेला मतलब अकेले रहना पसंद है, आइसोलेट होकर रहना है। तो इतना कह के जब लेडी ने ये कहा कि मैं तुमसे थोड़ा दूर रहूँगी, मैं तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आऊँगी, ये जब उस पर्सन ने सुना, ये जब उस आदमी ने सुना, तो वो बिल्कुल शांत हो गया कि चलो ठीक है मैं अकेले रहूँगा, अब मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। तो उसके मन में और कोई क्वेश्चन नहीं बचा, कोई क्वेरी नहीं बची, उसने सारी क्वेरीज का आंसर दे दिया था। बट सेल्फ कन्फेशन, लेकिन सेल्फ कन्फेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। अब जो पोइट है, जो मतलब मैन है, वो क्या कहता है कि पर मैं इसे बता तो दूँ मैं कौन हूँ, मैं अपने बारे में तो बता दूँ, है ना, मैं एक अफ्रीकन हूँ, है ना। तो जो लड़का है, जो आदमी है, वो क्या कहता है, मैडम आई वॉन्ट, आई हेट अ वेस्टेड जर्नी, आई एम अफ्रीकन। अब जो लड़का है वो क्या कहता है कि मैडम मैं आपको बता दूँ, मैं आपकी जर्नी बेकार नहीं करना चाहता, क्योंकि आप चली जाएंगी मुझे रेंट पर घर देके, आप तो चली जाएंगी जैसे कि आपने अभी कहा, आपकी मैं जर्नी बेकार नहीं करना चाहता, मैं आपको बता दूँ कि मैं एक अफ्रीकन हूँ। समझिए, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लाइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइन है, है ना। जब वो पर्सन जो है वो अपने आप को बताता है कि दैट ही इज़ एन अफ्रीकन, वो एडमिट करता है, है ना, तभी जो लेडी है वो क्या करती है, साइलेंस, साइलेंस ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशराइज्ड गुड ब्रीदिंग, दोनों तरफ साइलेंस हो जाता है, वो लड़का भी शांत हो जाता है और वो औरत है वो भी शांत हो जाती है। देखो शांत क्यों हो गया वो लड़का, क्योंकि उसे भी डर है ना कि कहीं ये मुझे निकाल ना दे, जैसे कि मैं पहले भी लोगों को अपना रिवील कर चुका हूँ अपना कलर, और उन लोगों ने मुझे निकाल दिया, है ना, ऐसा इसके साथ पहली बार तो नहीं हो रहा है, पहले भी इसके साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो इसलिए वो डर गया, इसलिए वो शांत हो गया, है ना। और उधर लेडी भी शांत हो गई, ऐसी शांत हो गई जैसे उसे क्या झटका लग गया हो, क्या सुन लिया हो उसने, है ना। तो वो क्या कहती है, शी सेड साइलेंस, साइलेंस ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशराइज्ड गुड ब्रीदिंग। नाउ जो पर्सन है, जो लड़का है, वो क्या कहता है कि मैं महसूस कर सकता था साइलेंस ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशराइज्ड गुड ब्रीदिंग, मैं लाइक महसूस कर सकता था कि उस लेडी के अंदर कितना प्रेशर आ चुका था इस बात को सुनकर, है ना, मैं अमेरिकन हूँ, सॉरी मैं अफ्रीकन हूँ, इस चीज़ को सुनकर उस लेडी के मन में कितना प्रेशर आ चुका था, और मैं इसे फ़ोन के इस साइड भी सुन सकता था, दोनों फ़ोन पर बात कर रहे थे। तो वो जो लड़का है वो क्या कहता है कि जो लैंड लेडी है, जो मकान मालकिन है, उसके अंदर इतना प्रेशर आ गया था कि
वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी और मैं उस प्रेशर को सुन सकता था मतलब अपने फ़ोन पर, भले ही वो कुछ बोल ना रही हो पर मैं फिर भी उसे महसूस कर सकता था उस प्रेशर को। ठीक है, ध्यान से समझना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साइलेंस ट्रांसमिशन और प्रेशराइज गुड ब्रीदिंग, मतलब उसकी ब्रीदिंग से, उसकी सांस से मैं उसके प्रेशर को नाप सकता था, उसके प्रेशर को भाप सकता था, उसके प्रेशर को मैं देख सकता था। कि ये चीज़ सुनकर कि मैं एक अफ्रीकन हूँ, मैं एक ब्लैक हूँ, ये चीज़ सुनकर उसके अंदर कितना प्रेशर आ चुका था, मैं उस चीज़ को सुन सकता था। बॉयज व्हेन इट कम लिपस्टिक कोटेड लॉन्ग गोल्ड रोल्ड सिगरेट होल्डर पाइप्ड, और जैसे ही आवाज़ आई, मतलब जैसे ही वो लेडी बोली, तो जो लड़का है, जो बॉय है, वो समझ चुका था कि जो वुमेन है, ओके, उनकी लिपस्टिक जो है वो कोट हो चुकी है, उनके लिप्स जो हैं वो चिपक चुके हैं लिपस्टिक से। मतलब जब लेडी बोली है ना, जब वॉइस आई, जब जो आवाज़ है वो आई, तो लड़का समझ चुका था कि लेडी के जो लिप्स हैं वो किससे चिपक चुके हैं, लिपस्टिक से चिपक चुके हैं, इजंट इट। एंड वो ये भी सोच पा रहा था कि जो सिगरेट है, जो गोल्ड कोटेड सिगरेट है उसके हाथों में, है ना, वो वो अभी भी मतलब उसे इनगल्फ कर रही है, और जो लेडी है वो बहुत ही ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रही है, शी इज़ स्टंड, वो बिल्कुल स्टंड हो गई है, बिल्कुल आप कह सकते हैं रुक चुकी है, एक जगह थम गई है और बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई है, है ना। कैसे पता चला उसे, क्योंकि उसकी जो लिप्स हैं, लिपस्टिक लगे लिप्स हैं, जो उसकी लिपस्टिक से कोटेड लिप्स हैं, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, बिल्कुल शांत हो गए थे, है ना। एंड लॉन्ग गोल्ड रोल्ड का मतलब है जो उसके बाल हैं, एंड अ सिगरेट होल्डर पाइप्ड। देन पोइट सेज कॉट आई स्टूड, कॉट आई वॉज फॉलिंग, कॉट आई वॉज फॉलिंग का मतलब है कि मैं बहुत ही एम्बेरसिंग सिचुएशन में था, मैं बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस मतलब अपने आप को फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा कैसा फील कर रहा था, शर्मिंदा, क्योंकि उसे पता है कि जब वो अपना कलर किसी को बताता है तो किस तरीके से जो वाइट पीपल हैं वो रिएक्ट करते हैं। सेम वो भी इसी बार ये सोच रहा था कि जो लेडी है वो मुझे घर नहीं देगी, क्योंकि उसकी जो चुप्पी है उसने मुझे बता दिया है कि उसे ये बात सुन के कितना बड़ा ट्रॉमा लगा है ना। इसलिए यहाँ पे फिजिकल और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की बात की गई थी आपको, है ना। नेक्स्ट, अभी तक जो लेडी है वो चुप है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, लेडी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, है ना, जो लेडी का डाउट है वो क्या है, हाउ डार्क, कितने काले हो, है ना, हाउ डार्क, आई हैड नॉट मिसहर्ड, आर यू लाइट और वेरी डार्क। मतलब जो लेडी है वो कहती है कि कितने डार्क हो, कितने काले हो, है ना, कहीं मैंने गलत तो नहीं सुन लिया है, क्या तुम थोड़े काले हो या बहुत काले हो, आर यू लाइट और वेरी डार्क। सी दीज वर्ड्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, है ना, यहाँ पे चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देखिए ऐसी बातें सुनकर, कितने काले हो, हाउ डार्क, कितने काले हो, कहीं मैंने गलत तो नहीं सुन लिया, कहीं जो तुम कहना चाह रहे हो वो गलत तो नहीं सुन लिया मैंने, आर यू लाइट और वेरी डार्क, क्या तुम थोड़े काले हो या बहुत काले हो। लाइट का यहाँ पे मतलब गोरे से नहीं है, लाइट का यहाँ पे मतलब है तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन थोड़ा काला है या तुम बहुत काले हो, कितने काले हो, इजंट इट। देन बटन बी, बटन ए, स्टेंच ऑफ रैंसिट ब्रेथ ऑफ पब्लिक हाइड एंड सीक। मतलब ऐसा लग रहा था, अब पोइट कहता है कि ये सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि मुझे कोई बटन दबाना होगा। मतलब ये जो ऑप्शंस दिए हैं, कितने काले हो, ज़्यादा काले हो या थोड़े काले हो, ये सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि मुझे कोई बटन दबाना होगा, कोई दो बटन्स मुझे दिए गए हैं, बटन बी एंड बटन ए, उन दोनों में से कोई एक दबाना होगा। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं, पोइट बोले सोए का ये कहना चाह रहे हैं कि क्या कलर भी कोई ऑप्शन है, क्या कलर में भी कोई ऑप्शन है कि कितने काले हो, ज़्यादा काले हो, कम काले हो, क्या ये भी किसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरह है कि इनमें ऑप्शंस होंगे कि आपको ऑप्शन ए टिक करना है, ऑप्शन बी टिक करना है, है ना। देन
stench of rancid breath of public hide and seek. Now stench of rancid breath of public hide and seek. मतलब इसे सुनकर, इस क्वेश्चन को सुनकर पोइट को, मतलब जो मैन है वो क्या, उसे क्या लगता है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही बहुत बैड स्मेल दे रहा है. मतलब ये जो क्वेश्चन है इसमें से बहुत बैड स्मेल आ रही है ना. बहुत बैड स्मेल किस चीज़ की? बुरी सोच की, है ना. द स्मेल, द बैड स्मेल ऑफ हिज बिहेवियर, जो उसने मुझे दिखाया है, जो वो बिहेवियर शो कर रही है कि कितने काले हो, ज़्यादा काले हो, कम काले हो. ऐसा लग रहा है जैसे कि उसने मुझे दो ऑप्शंस दे दिए हैं, बटन बी और बटन ए, और उन दोनों में से कोई एक बटन दबाना है. ये सारी चीज़ें सुनकर, ये क्वेश्चन सुनकर मुझे इतना बुरा लगा, और उसकी इन क्वेश्चंस में इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि जो उसका जो ये बैड स्मेल है वो किस चीज़ की थी? उसकी बुरी सोच की थी, जो उसकी थिंकिंग है उसकी थी, कि किस तरीके की हमारी सोसाइटी ने थिंकिंग कर ली है, किस तरीके के थॉट्स हैं उनके मन में, कि कितने काले हो, ज़्यादा काले हो, कम काले हो. आप खुद ही सोचिए, आर दीज द क्वेश्चंस? कितने काले हो, ज़्यादा काले हो, कम काले हो, है ना, कि काला होने का ही अमाउंट होता है. देन पोइट सेज, रेड बूट, रेड पिलर बॉक्स, रेड डबल टाइट ओमनीबस, स्क्वेलिंग टायर. नाउ जो पोइट है वो क्या कहता है कि ये सारी चीज़ें सुनकर, है ना, ये सारी चीज़ें सुनकर जो रेड कलर है, है ना, जो रेड कलर है टेलीफोन बूथ का, पिलर बॉक्स का, पिलर टेलीफोन बूथ का मतलब होता है जो फ़ोन कॉल सेंटर होता है, जिसे हम PCO कहते हैं, क्या कहते हैं, POC, जिस पे हम मतलब कहीं बाहर होते हैं तो उस पे हम कॉल करते हैं, है ना. तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, रेड बूथ, है ना. रेड पिलर बॉक्स का मतलब है रेड लेटर बॉक्स, जो लेटर बॉक्स है जिसमें हम चिट्ठी डालते हैं. एंड रेड डबल टायर्ड ओमनीबस, मतलब एक रेड टायर की, ओके, ओमनीबस का मतलब है एक साउंड करती हुई बस, एक ओमनीबस विच इज स्क्वेलचिंग टायर, जिसके जो टायर हैं वो बहुत ज़्यादा साउंड कर रहे हैं, इजंट इट. तो ये सारी चीज़ें देखिए, आप खुद देखिए इन सारी चीज़ों को कैसा दिखाया गया है, रेड दिखाया गया है, जैसे रेड डबल टायर बस, रेड बूथ, रेड पिलर बॉक्स. तो ये रेड कलर बहुत सिग्निफिकेंट है. ये रेड रिफर कर रहा है उस मैन के एंगर को, जो एंगर उस आदमी के अंदर है, जो उस एंगर को शो कर रहा है, ओके. तो हेयर रेड शोज द एंगर, जो रेड कलर है वो क्या शो कर रहा है, एंगर ऑफ द पर्सन, कि वो जो पर्सन है वो कितना एंग्री है, है ना. जिस तरीके के एग्जांपल्स आप मतलब यहाँ पे दिए गए हैं, रेड पिलर बॉक्स, रेड बूथ, रेड बॉक्स, है ना, ये सारी रेड क्यों हैं? बिकॉज दे आर शोइंग द फ्यूरी ऑफ द मैन, है ना. देन इट वॉज रियल, या अब द पर्सन इज इन लाइक ही इज वेरी लाइक इन अ वेरी सिचुएशन, बहुत खतरनाक सिचुएशन में. क्या ये सच है? क्या जो मैं सुन रहा हूँ वो सच है? इट वॉज रियल, क्या ये सच था जो मैंने अभी सुना, है ना. देन शेम्ड बाई आई मैनर्ड साइलेंस, सरेंडर पुश्ड डम्बफाउंडमेंट टू बैक सिंप्लीफिकेशन. नाउ हियर, बट इस सिचुएशन में उस मैन को लग रहा था कि वो शांत होकर, मतलब वो साइलेंस होके कुछ गलत कर रहा है, ओके. मतलब उसे ही अपने आप पे गुस्सा आ रहा था कि ये जो साइलेंस है जो अभी तक दिखाए हुए हैं, वो कुछ बोल नहीं रहा है, ये एक इल मैनर है ना, ये एक बुरी चीज़ है, मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे कुछ बोलना चाहिए, है ना. ही वॉज थिंकिंग दैट इट द साइलेंस जो है वो कर रहा है वो बहुत गलत है, और इसलिए वो क्या करता है, वो शाउट करता है, वो चिल्लाता है, और वो एक बार पूछना चाहता है, मतलब वो समझ नहीं पा रहा है कि जो वुमेन है वो क्या पूछना चाहती है, आखिर क्या पूछना चाहती है इस चीज़ से, कि जो किस टाइप के कलर है, डार्क कितना है, कितना लाइट है, है ना, इस टाइप की चीज़ों से क्या पूछना चाहती है. तो वो पहली बात तो गुस्सा है बहुत, है ना, ये जो रेड बूथ है, रेड पिलर बॉक्स है, रेड
डबल टायर बस है, ये सारी चीज़ें उसके एंगर को शो कर रही है। और दूसरी चीज वो इन चीज़ों को सुनकर बहुत शेम, बहुत शर्मिंदा है अपने इल मैनर पे, ओके, कि वो अभी तक साइलेंस कैसे रह सकता है, अभी तक शांत कैसे रह सकता है, वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, राइट? देन मतलब वो समझ नहीं पा रहा था कि जो वुमेन है वो क्या पूछना चाहती है। तो जो पर्सन है वो रिक्वेस्ट करता है वुमेन से, प्लीज़ आप थोड़ा शांत रहिए और कृपया करके पुश डम्प फोर्टमैन टू बैक सिंप्लीफिकेशन। मतलब वो पुश करता है अपने आप को कि प्लीज़ क्या आप मुझे और सिंपली बताएंगी कि आप क्या पूछना चाहती हैं, क्या अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगी, आप पूछना क्या चाहती हैं, हैं कितना कलर कैसा है, आप क्या पूछना चाहती हैं। उसने मतलब ये बैक किया, उसने प्रार्थना की, उसने प्रे किया, है ना, कि प्लीज़ आप थोड़ा सिंप्लीफिकेशन से बोलें, थोड़ा सिंपली बोलें कि आप क्या पूछना चाहती हैं, आपकी क्वेश्चन क्या है, राइट? तो ही पुश सरप्राइज डम्प फोर्टमैन का मतलब है सरप्राइज होके वो बैक करता है कि वो समझाए कि क्या पूछना चाहती है, उसका क्वेश्चन क्या है वो समझाए। देन कंसिडरेट शी वॉज वेरिंग द एम्फेसिस, मतलब नाउ जो पर्सन है, कंसिडरेट शी वॉज वेरिंग द एम्फेसिस, मतलब अब इस चीज़ को सुनकर जब पोइट ने कहा कि अपने क्वेश्चन को थोड़ा इलेबोरेट कीजिए, थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए कि क्या आप कहना चाहती हैं, इसे सुनकर जो लेडी है वो मतलब चेंज हो जाती है, वो थोड़ी शिफ्ट हो जाती है, है ना, वो अपनी बात को थोड़ा बदलती है। और इस चीज़ को देखकर, क्योंकि उस वो लेडी अपनी बात बदल रही थी, इस चीज़ को देखकर पोइट जो मैन है, सॉरी जो वो ब्लैक मैन है, उसे विश्वास हो जाता है कि जो वुमेन है वो कंसिडरेट है। कंसिडरेट का मतलब है शी इज़ इन अ शी इज़ वेरी चेयरफुल, और वो किसी को हार्म करना नहीं चाहती, वो किसी को दुखी करना नहीं चाहती, है ना। तो वो अपने थॉट्स को, अपने क्वेश्चन को मतलब थोड़ा सा क्या करती है, चेंज करती है, जिससे कि वो उस पर्सन को दुखी नहीं कर पाए, इजंट इट। मतलब ये कौन सोच रहा है, वो ब्लैक मैन सोच रहा है कि जो लेडी है वो थोड़ी सी अच्छे स्वभाव की है, कंसिडरेट लेडी है, थोड़ी समझने वाली लेडी है, और वो पर्सन को जो है वो मुझे क्या करना चाहती है, वो मुझे मतलब थोड़ा डाउन फील नहीं कराना चाहती, इसलिए वो क्वेश्चन को क्या करती है, चेंज कर देती है। देन नाउ अगेन जो लेडी है वो क्या पूछती है, आर यू डार्क और वेरी लाइट, रिवीलेशन केम। नाउ अगेन जो लेडी है वो क्या पूछती है कि तुम कितने काले हो, तुम बहुत काले हो या थोड़े काले हो, राइट? वो इस तरीके से बोल रही थी, इतनी ज़ोर से बोल रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो कुछ अनाउंस कर रही है, कोई चीज़ रिवील कर रही है, कोई चीज़ डिस्क्लोज कर रही है। रिवीलेशन का मतलब है डिस्क्लोजिंग एनीथिंग, मतलब वो इतनी ज़ोर से बोल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई वो अनाउंसमेंट करने वाली है कि तुम कितने काले हो, क्या तुम थोड़े काले हो या बहुत काले हो, ओके? नाउ अ मैन कहता है, यू मीन लाइक प्लेन और मिल्क चॉकलेट, मतलब क्या तुम्हारा मतलब है कि मैं कैसा, एक प्लेन मिल्क की तरह हूँ या बहुत डार्क चॉकलेट की तरह हूँ, क्या तुम्हारा मतलब है, क्या आप ये कहना चाहती हैं कि मैं, मेरा जो कलर है वो प्लेन मिल्क की तरह है, मतलब वाइट है, या डार्क चॉकलेट की तरह है, जो मिल्क चॉकलेट है उसकी तरह है। हर असेंट वॉज क्लिनिकल, क्रशिंग इन इट्स लाइट इम्पर्सनैलिटी। नाउ जो लेडी है उसे बिल्कुल भी ये नहीं था, मतलब उसे बिल्कुल भी, शी वॉज अनअवेयर कि ऐसा सुनकर, है ना, इस टाइप की क्वेरी सुनकर जो मैन है वो हर्ट हो जाएगा। तभी तो वो इस टाइप के क्वेश्चन कर रहा है कि क्या आप ये जानना चाहती हैं कि मैं प्लेन मिल्क की तरह हूँ, मतलब मैं प्लेन जैसा सिंपल मिल्क होता है वाइट, उसकी तरह हूँ, या मिल्क चॉकलेट मतलब डार्क चॉकलेट की तरह हूँ, आप क्या आप ये जानना चाहती हैं, मतलब ये कहना चाह रहा है मैन कि आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये जानना चाहती हैं कि मेरा कलर कॉम्प्लेक्शन कैसा है, है ना। इस चीज़ को सुनकर जो लेडी है वो थोड़ी सी क्या होती है, शर्मिंदा होती है। हर एसेंच वॉज क्लिनिकल, क्रशिंग इन इट्स लाइट। जो लेडी है उसे बिल्कुल भी मतलब ये अंदाज़ा नहीं था कि इस टाइप के क्वेश्चन उनके जो मैन है वो थोड़ा सा हर्ट हो सकता है, है ना, ये क्वेश्चन उसे हर्ट कर सकते हैं। तो उसका टोन कैसा था, क्लिनिकल था,
ओके, क्लिनिकल का मतलब है बिल्कुल लाइक थोड़ा सा यू कुड से कॉमन था, इजंट इट, एंड शी वाज हैविंग अ वेरी लाइक इम्पर्सनैलिटी थिंग, ओके, इम्पर्सनैलिटी टाइप ऑफ बिहेवियर. नाउ रैपिडली वेवलेंथ एडजस्टेड आई चोज वेस्ट अफ्रीकन सेपिया. वेस्ट अफ्रीकन सेपिया एंड एज एन आफ्टर थॉट. नाउ अब जो मैन है वो क्या कहता है, इतनी देर में ऐसा लग रहा था जैसे उस लेडी ने सारे स्पेक्ट्रम के कलर को देख लिया हो. स्पेक्ट्रम यू ऑल नो, एक स्पेक्ट्रम क्या करता है, वाइट लाइट को 7 कॉन्स्टिट्यूएंट विबग्योर कलर में तोड़ देता है, उसे ब्रेक कर देता है. तो वो जो पर्सन है उस टाइम पे वो क्या सोच रहा था कि ऐसा लगता है जैसे कि जो कलर का स्पेक्ट्रम है, ओके, उसके जो कलर हैं वो भी मेरे कलर से मैच नहीं कर पा रहे हैं. मतलब जो लेडी है ऐसा लग रहा था जैसे उस लेडी ने सारे स्पेक्ट्रम के कलर मैच कर लिए पर उसे मेरा कलर कहीं नहीं मिला. मतलब वो समझ ही नहीं पा रही थी कि किस टाइप का कलर है इसका, इतना डार्क कैसे है, इसे क्या बोलते हैं, है ना. तो उस टाइम पे उस लेडी ने क्या किया, रैपिडली वेव लेंथ एडजस्टेड आई चोज बेस्ट अफ्रीकन सेपिया एंड एज एन आफ्टर थॉट. मतलब उसने अपने जितने भी उसे कलर पता थे उसने सारे कलर को याद कर लिया पर कोई भी कलर वो समझ नहीं पा रही कि मेरा कैसा कलर है. मतलब उसे जितने भी कलर पता थे उनमें से कोई भी कलर मेरे कलर से मैच नहीं हो रहा था. तभी मैंने बोला बेस्ट अफ्रीकन सेपिया, मेरा जो कलर है वो कैसा है, बेस्ट अफ्रीकन सेपिया की तरह है. मतलब बेस्ट अफ्रीकन सेपिया मतलब इस तरीके का, देखिए इस तरीके का कलर है, इस पर्सन का जैसा कलर है ना, इस तरीके के जो वो मैन है वो क्या कहता है, मेरा कैसा कलर है, बेस्ट अफ्रीकन सेपिया. जिस तरीके से डार्क कलर सेपिया उसके नहीं होते हैं उस तरीके का है. सेपिया एक कलर है, कलर कॉम्प्लेक्शन है डार्क चॉकलेट की तरह, जिस तरीके से आपने डार्क चॉकलेट खाई है ना बिल्कुल वही कलर होता है. एंड एज एन आफ्टर थॉट एंड आफ्टर हियरिंग दिस कि मेरा कलर कैसा है, ओके, आफ्टर हियरिंग दिस शी वॉज गोज टू आफ्टर थॉट. मतलब और फिर उसके बाद जो मैन है वो क्या बोलता है, डाउन ऑन माई पासपोर्ट. मतलब आप देख सकते हैं मेरी पासपोर्ट में भी ऐसा ही कलर है, है ना. मतलब वो अपने पासपोर्ट फोटो को दिखाता है, जो उसकी पासपोर्ट फोटो है उसका कलर दिखाता है, ओके, कि आप मेरी पासपोर्ट में भी दे सकते हैं, ओके. नाउ इतनी देर में जो वुमेन थी वो बिल्कुल साइलेंट थी, ओके, शी वॉज साइलेंट एंड साइलेंस फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपिक फ्लाइट ऑफ फैंसी टिल ट्रुथफुलनेस क्लैंक्ड हर एसेंट. नाउ ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कलर के स्पेक्ट्रम में खो गई है. उसने जितने भी कलर पता थे उसने सारे देख लिए, उसमें से उसका कलर कभी, उसका कलर जो है वो मैच ही नहीं हुआ, ओके. जो मतलब लेडी है वो समझ नहीं पा रही थी कि ये जो कलर है ये सुपीरियर है या इन्फीरियर है. मतलब ये ऊंचा कलर है, अच्छा कलर है या इन्फीरियर कलर है, ओके. और वो मतलब साइलेंट रही, और जब तक साइलेंट रही जब तक उसका जो रियल कंसर्न है, ओके, उसे समझ नहीं आ जाता कि किस तरीके कलर ये बता रहा है. ये जो वाइट सेपिया कलर है, वेस्ट अफ्रीकन सेपिया कलर है, ये कौन सा कलर है उसे समझ ही नहीं आ रहा था ये कौन सा कलर है. और उसने जितने भी उसे कलर के बारे में नॉलेज थी, जितना भी उसे स्पेक्ट्रम पता था कलर का, उसने सारे स्पेक्ट्रम पर देख लिए. साइलेंस फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपिक, स्पेक्ट्रोस्कोपिक का मतलब है उसने सारे स्पेक्ट्रम्स को देख लिया. उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वॉट इज़ द कलर ऑफ दिस मैन. और इसलिए जो वुमेन है वो साइलेंट हो गई क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रही थी कि कौन से कलर, ये सिर्फ सेपिया कलर बता रहा है, ये अफ्रीकन सेपिया कलर ये होता कौन सा है, ओके. उसे जितनी भी कलर के ऊपर नॉलेज थी, जितना भी उसे कलर स्पेक्ट्रम पता था, उसने सारी स्पेक्ट्रम को देख लिया, सारे कलर स्पेक्ट्रम को देख लिया, वो उस कलर को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रही थी, इजंट इट. नाउ हार्ट ऑन द माउथपीस व्हाट्स दैट कंसीडिंग. नाउ जो लेडी है वो क्या कहती है, सो हार्ड ऑन द माउथ स्पीस का मतलब है कि उसने अपने जितने भी उसके स्पेक्ट्रम मतलब जितने भी कलर के बारे में उसे नॉलेज थी, उसने सारे कलर्स को देख लिया, उससे ये जो अफ्रीकन सेपिया कलर है उसे नहीं मिला, इजंट इट. तो वो पूछती है,
हार्ड ऑन द माउथ पीस, मतलब नाउ शी इज़ वेरी टेंस्ड, है ना, उसका जो मुंह है वो बंद हो जाता है बहुत, है ना, और फिर वो पूछती है व्हाट्स दैट कंसीडिंग, डोंट नो व्हाट्स व्हाट दिस इज लाइक ब्रूनेट. नाउ जो वुमेन है, जो औरत है, वो बहुत जो मतलब गुस्सा होकर कहती है कि ये क्या है, कौन सा कलर की बात कर रहे हो, ये कौन सा कलर होता है ये सेपिया, है ना. देन कंसीडिंग मतलब एक्सेप्ट करते हुए कहती है कि ये कौन सा कलर होता है मुझे नहीं पता, है ना. तभी जो मैन है वो क्या कहता है, तुम्हें नहीं पता ये क्या होता है, क्या तुम नहीं जानती कि कौन सा कलर होता है, लाइक ब्रूनेट, ब्रूनेट मतलब डार्क ब्राउन, मतलब बिल्कुल ब्रूनेट की तरह होता है, जैसे ब्रूनेट होता है बिल्कुल उसी की तरह होता है. ओके, ब्रूनेट मतलब डार्क ब्राउन, जो डार्क ब्राउन कलर होता है लाइक चॉकलेट, उसकी तरह होता है सेपिया कलर, बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि ब्रूनेट होता है, जैसे कि डार्क ब्राउन होता है. ओके, नाउ शी सेड, अब उसका एक्शन देखना किस तरीके का, दैट्स डार्क इज़न्ट इट, क्या ये ज़्यादा काला नहीं है, मतलब जिस तरीके के तुम कलर बता रहे हो ब्रूनेट, क्या ये बहुत काला नहीं है, सी द आयरनी, सी द सटायर, है ना. नाउ शी सेड नॉट ऑल टुगेदर, मतलब नहीं मैं पूरा काला नहीं हूँ, मतलब मैं पूरा ऊपर से नीचे तक काला नहीं हूँ, फेशली आई एम ब्रूनेट, बट मैडम यू शुड सी द रेस्ट ऑफ मी, पाम ऑफ माई हैंड्स, सोल्स ऑफ माई फीट आर अ परोक्साइड ब्लॉन्ड, मतलब मैं पूरा काला नहीं हूँ मैम, मतलब मैं पूरा काला नहीं हूँ, सिर्फ मेरा मुंह जो है वो ब्रूनेट है. ओके, सिर्फ मेरा फेशियल जो है, फेशियल फीचर जो है वो ब्रूनेट कलर के हैं, बाकी मैं नहीं हूँ, मेरे जो हाथ हैं, जो रेस्ट ऑफ मी है वो मेरा डिफरेंट कलर का है, जो मेरे हाथ के पाम हैं, जो मेरी हाथ की हथेली है, और जो मेरे पैर के तलवे हैं वो परोक्साइड ब्लॉन्ड है. परोक्साइड ब्लॉन्ड मतलब उसका जो कलर है, परोक्साइड का मतलब है जो ब्लॉन्ड कलर है वो उड़ चुका है, वो गायब हो चुका है ड्यू टू यूजिंग ऑफ परोक्साइड केमिकल. जो परोक्साइड केमिकल्स होते हैं, यू ऑल नो केमिस्ट्री में, है ना, केमिकल परोक्साइड होते हैं, तो परोक्साइड को यूज़ करते करते मेरा जो हाथ है उसका कलर थोड़ा सा लाइट हो गया है. क्यों? क्योंकि मैं केमिकल से काम करता हूँ, केमिकल कभी कभी मेरे हाथों में लग जाता है, जिसकी वजह से मेरा जो कलर है वो थोड़ा सा क्या हो गया है, डार्क ब्राउन से येलोश हो गया है. नाउ फ्रिक्शन कॉज्ड फुलिशली मैडम, नाउ हियर सी दिस, हियर फेशली आई एम ब्रूनेट बट मैडम यू शुड सी द रेस्ट ऑफ मी, यहाँ से लेके पूरा परोक्साइड ब्लॉन्ड तक, ये हेयर ही हैज़ यूज द सटायर, यहाँ पे सटायरिज्म यूज हुआ है, सटायर का यूज हुआ है. ओके, मतलब आप खुद सोचिए वो कितना ज़्यादा हंसी से, कितना ज़्यादा खुशी से, कितने ज़्यादा फनी वे में कह रहे हैं कि मैं पूरा काला थोड़ी हूँ, सिर्फ मेरे जो हाथ हैं ओके वो थोड़े से लाइट कलर के हो गए हैं, बाकी सब मेरा काला है, मतलब मेरी पूरी बॉडी काली है, बट मेरे हैंड्स जो हैं, मेरे जो सोल्स हैं फीट के और हैंड्स के, वो थोड़े से लाइट ब्राउन हो गए हैं ड्यू टू यूजिंग ऑफ परोक्साइड केमिकल. सो हियर ही इज सेइंग इन अ वेरी चिल मूड, दैट्स व्हाई दिस इज सटायर, है ना, वो मतलब अपने ही कलर को, अपने ही डार्क कलर को, जहाँ पे उसे बहुत दुखी होना चाहिए, रेदर देन दैट ही इज वेरी फाइन, ही इज वेरी हैप्पी. ओके, दैट्स व्हाई ही हैज यूज्ड द सटायर. नेक्स्ट, फ्रिक्शन कॉज्ड foolishly madam by sitting down has turned my bottom ribbon black, और friction की वजह से, मतलब बैठे बैठे, मतलब जब हम बैठते हैं तो friction लगता है ना, friction मतलब रगड़ने की वजह से मेरा जो back है, मेरा जो back area है, back area का मतलब जो butt area है, आप समझ सकते हैं एक तरीके से, है ना, जो butt area है मेरा वो कैसा हो गया है, वो बहुत ribbon black का मतलब बहुत black हो गया है, बेहद. ribbon का मतलब होता है crow, कौआ, और ब्लैक मतलब बिल्कुल कौए जैसा काला हो गया है, क्योंकि मैं पूरे दिन बैठा रहता हूँ, उस बैठने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से मेरा जो कलर है बट का, मेरा जो पीछे का कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है, बिल्कुल इतना डार्क हो गया है जितना कि कौए का होता है. ओके, यहाँ पे भी जब आप इस चीज़ को सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी, कैसे बात कर रहा है कि जो मेरा बट एरिया है वो बैठे बैठे काला हो गया है. सो दैट्स वाई हेयर ऑल्सो ही हैज यूज सटायर, जो आपकी लास्ट की लाइन है ना, ये फुल ऑफ सटायर है, फुल ऑफ सरकाजम है. दिस सेंटेंस, दिस इज ऑल्सो फ्रिक्शन, दिस इज ऑल्सो
सटायर, ये भी सटायर है जो रेड पेन से मैंने किया है, और पीछे आपने देखा ये भी सटायर थी फेशियली से लेके, है ना। नेक्स्ट वन मूवमेंट मैडम सेंसिंग। नाउ अब कुछ देर बाद जो थोड़ी देर वेट करके वन मूवमेंट मैडम सेंसिंग हर रिसीवर रियरिंग ऑन द थंडर कॉल। नाउ अब जो पोइट है, जो मैन है बेसिकली, वो कहता है कि मैं और कुछ भी कहने वाला था पर ऐसा लग रहा था जैसे कि जो लेडी है वो मेरी बातों से ऊब चुकी है और बहुत गुस्से में है और वो फ़ोन रखना चाहती है। थंडर कॉल क्लैप का मतलब है इतनी ज़ोर से उसने फ़ोन रखने के लिए मतलब करा कि इतनी ज़ोर से आवाज़ आई ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई बादल फट रहा हो। इजंट इट अबाउट माई ईयर्स, मेरे कानों में ऐसी आवाज़ आई जैसे कि जो बादल होते हैं वो फट रहे हों। मैडम आई प्लीडेड वुडंट यू रेदर सी फॉर योरसेल्फ। अब नाउ द पर्सन सेज कि मैडम मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ओके मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्या आप मुझे देखना नहीं चाहती, मतलब क्या आप, मतलब आप ऐसा कीजिए कि आप खुद ही आकर देख लीजिए कि मेरा कलर कैसा है, मैं कैसा दिखता हूँ, रेबन ब्लैक है या सेपिया कलर है या मेरे बट एरिया कैसा है, है ना। आप खुद ही आ जाइए और खुद ही देख लीजिए कि मैं कैसा हूँ। मतलब हियर ही सटायरली सरकाजमली, यहाँ पे भी किसका यूज़ हुआ है, इन लाइन्स में भी सरकाजम का यूज़ हुआ है। सो हियर सरकाजम हैज़ बीन यूज, सरकाजम मतलब डबल मीनिंग वर्ड जो कि थोड़ा रेडिकुलस वे में कहा हो। तो आयरॉनिकली जो आदमी है, जो मैन है, वो कहता है कि आप खुद ही आ जाइए एंड मेरा बट देख लीजिए, बट मीन्स मेरा जो पीछे वाला एरिया है वो देख लीजिए अपने आप ही कि वो कैसा दिखता है, है ना। इससे बढ़िया बात तो क्या होगी, आप खुद ही आ जाइए और देख लीजिए। आप तब से मेरे कलर के ऊपर क्वेश्चन करे पड़ी हैं कि किस तरीके का तुम्हारा कलर है, कैसा है, ज़्यादा डार्क है, कम डार्क है, चॉकलेट मिल्क है, प्लेन मिल्क है, रेविन की तरह है, किस तरीके की तरह है, है ना। आप तब से क्वेश्चन करे पड़ी हैं, ऐसा क्यों नहीं करती, आप खुद आ जाइए और मुझे देख लीजिए कि मैं कैसा दिखता हूँ, है ना। सो हियर दिस होल पोएम एंड्स अप। I think this was very funny and you could see the satire in the plane, है ना। satire आप देख सकते हैं यहाँ से satire यूज हुई थी। satire का मतलब है डबल मीनिंग में, बहुत ridiculous चीज़ में आपको बात कही गई हो, है ना। वो बात है तो बहुत बुरी, उस बात को सुनकर बहुत गुस्सा आ जाएगा, पर क्योंकि वो बात बहुत funny वे में कही गई है इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, satire। तो यहाँ पे फर्स्ट सटायर हैज़ बीन यूज, जो पहली सटायर है वो यूज़ होती है कि जब वो मैन कहता है कि मेरा मुंह तो काला है, है ना, मेरा मुंह तो ब्रूनेट कलर का है, पर मेरे बाकी के जो हाथ पैर हैं, बाकी की जो मेरा पूरा जो शरीर है वो तो ब्रूनेट कलर का है, ब्लैक है, पर मेरे जो सोल्स हैं हैंड्स के और मेरे जो फीट के सोल्स हैं, मतलब तलवे और मेरे हथेली के हाथ जो हैं, वो थोड़े से येलो कलर के हो गए क्योंकि मैं परऑक्साइड केमिकल का यूज़ बहुत करता हूँ, है ना, परऑक्साइड का यूज़ करता हूँ, इसलिए वो जो है वो ब्लॉन्ड कलर के हो गए हैं, वो थोड़े से पीले हो गए हैं। समझ पा रहे हैं, ब्लॉन्ड कहते हैं पीले रंग को। थोड़ा सा आपने देखा है वो स्ट्रॉ, देखा है स्ट्रॉ जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, हे, इंग्लिश में हम उसे क्या कहते हैं, हे देखा है आपने, जो भैंस वगैरह खाती हैं, बिल्कुल उसी कलर को हम क्या कहते हैं, ब्लॉन्ड। तो पोइट मतलब जो मैन है वो ये कहना चाह रहा है कि मेरा जो हाथ पैर हैं वो परऑक्साइड को यूज़ कर करके थोड़े से ब्लॉन्ड कलर के हो गए हैं, थोड़े पीले हो गए हैं। तो यहाँ पे एक सटायर यूज़ हुई, ठीक है, दिस वॉज आ फर्स्ट सटायर। दूसरी सटायर ये यूज़ हुई जब वो कहता है कि फ्रिक्शन की वजह से, मतलब पूरे दिन बैठे बैठे मेरा जो बट एरिया है, जो मेरा बैक एरिया है, वो कैसा हो गया है, ब्लैक हो गया है, बिल्कुल कैसा, रेबन ब्लैक, मतलब कौए की तरह काला हो गया है, ठीक है। हियर आर द सेकेंड सटायर हैज़ बीन यूज्ड एंड थर्ड सटायर और सरकाजम यू कुड सी सॉरी थर्ड सटायर और सरकाजम आप कह सकते हैं तब यूज़ हुई जब वो कहता है कि मैम प्लीज़ आप ही आ जाइए और आप ही देख लीजिए मैं कैसा दिखता हूँ। ऐसा क्यों नहीं करिए, आप ही आ जाइए और आप ही देख लीजिए कि मैं कैसा दिखता हूँ। सो हियर फर्स्ट आप इसे आयरनी लिखें तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना, यहाँ पे आयरनी, आयरॉनिकली बात ज़्यादा कही गई है तो आप आयरॉनिकली देख सकते हैं, आयरनी, आयरनी हैज़ बीन यूज्ड हियर। तो तीनों फिगर ऑफ स्पीच देखो, तीनों मतलब तीनों आयरनी, सटायर, सरकाजम, तीनों एक ही होती हैं, ओके। तो यहाँ पे आयरनी यूज हुई है,
जस्ट वेट, आयरनी यूज हुई है यहाँ पे, सटाई यूज हुई है, और यहाँ पे क्या यूज हुआ है, सरकाज़म. आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आर टूडेज वीडियो. बहुत फनी वीडियो, मतलब पोम थी जो हमारी, पोम थी बहुत ज़्यादा फनी थी. आप खुद ही सोच सकते हैं किस तरीके से जो आंसर्स दिए गए हैं बाय द मैन कि मेरा जो कलर है वो ब्रूनेट है. आप मेरे बट एरिया को खुद ही देख लीजिए कैसे दिखता है, है ना. मैं बिल्कुल रेवन ब्लैक कलर का हूँ, मेरा जो फेस है वो ब्लैक है, मेरी पूरी बॉडी ब्लैक है, बट मेरे हैंड्स हैं, मेरे हाथ की हथेली और पैर के तलवे जो हैं वो थोड़े से येलो हैं क्योंकि मैं परऑक्साइड का यूज़ ज़्यादा करता हूँ. तो अब इधर आप सुनकर थोड़ा हंस सकते हैं, और जिस चीज़ में भी थोड़ी हंसी आए उसे क्या कहते हैं, सटायर. सो हेयर सटायर सरकाज़म और आयरनी का बहुत यूज हुआ है, हाईली यूज लाइक अ फिगर ऑफ स्पीच है, इन्हें आप याद रखेंगे, है ना. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ टुडेस वीडियो. इफ यू लव दिस टुडे वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल इफ यू डिडंट डू इट येट, और प्लीज़ बताइए कि कैसी लगी आपको क्लास 12th की पहली पोइट्री. इस तरीके से हम पोम को लाते रहेंगे, है ना. एंड प्लीज़ एक काम और कर दीजिए, आपको जो सिलेबस है मैकबेथ का, रैप्सोडी का, प्रेजेंट का, तीनों का एक बार आप मुझे प्लीज़ एनी वन ऑफ यू कमेंट मी डाउन, मतलब कमेंट कर दीजिए आप मुझे, मैं उसी हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा. ओके, प्लीज़ डू कमेंट डाउन द सिलेबस. हर बच्चा करेगा, अपने अपने स्कूल का हर बच्चा प्लीज़ कमेंट द सिलेबस ऑफ योर स्कूल. ओके, ऑफ योर परस्पेक्टिव स्कूल, लाइक रिस्पेक्टिव स्कूल. सो दैट्स इट. Have a good day. Bye guys. And if you love this video, then don't forget to give this video a big thumbs up. Have a good day.